वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में खुशामदीद कहती हूँ। और मैं बात करूंगी उन तमाम खवातीन की जो एंटरप्रेन्योर्स वुमेन है, स्किल्स वुमेन है, हैंडमेड वर्क करती हैं। जैसे मेरे आगे एक कुछ आपने देखा होगा, क्रोशिया का काम है, रिप्रेजेंट हो रहा है। और आज भी एक ऐसी लेडी, वो आर्टिस्ट तो हैं लेकिन साथ साथ खवातीन को सपोर्ट और प्रमोट करी है पूरी, मैं कहूँगी पूरे पाकिस्तान में। और अब वो बताएंगी ये पाकिस्तान से बाहर कैसे प्रेजेंट हो सकता है और हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारे सवाल हम उनसे करेंगे। और उनकी यहाँ पर और खवातीन यहाँ पर सिटिंग है, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले एक बार फिर मैं वेलकम करती हूँ मिसेस फरजाना इरफान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। मैम, आर्टिस्ट तो आप हैं लेकिन साथ साथ आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन फौजी फाउंडेशन आरएस फाउंडेशन को भी रन करेंगे और एशियन हॉरिजन की सीईओ हैं। और ये सारी बातें अब ये ज़रा सा मैं चाहूँगी डिटेल में फौजी फाउंडेशन के बारे में ज़रा बताएं हमें। देखिए एक्चुअली वो तो हमने पहले बात कर ली, मगर असल है हमें अगले जहाँ की तैयारी करना। क्या तो उसके लिए हमने क्या बनाया? हम कहते हैं बंगला बना लें, घर बना लें, ये बना लें। हम ये चार दिन की जिंदगी के लिए बहुत कुछ बनाने का सोच में अपनी आखिरत को भूल जाते हैं। और क्योंकि वहाँ की जिंदगी तो हमेशा की है ना, तो मैंने कहा, और मेरी ये फ्रेंड है फौजिया जकी नाम है, ये यूएसए में होती है और हम 20 साल बाद मिले। अब सोचें, हम 20 साल पहले स्कूल में दोनों पढ़ाते थे, 20 साल बाद हम लोग कनेक्शन मिला, हमारा एक दूसरे से का कॉन्टैक्ट मिला। पता नहीं हमने कहा कि रब ने हमने बना दी जोड़ी जिसे कहना चाहिए। तो वो यूएसए से और मैं यहाँ, मैं ऑलरेडी कर रही थी आरएस फाउंडेशन का, उस पर मेरा काम चल रहा था, वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, हेल्थ में जो भी सपोर्ट हो, हमने कोलैबोरेट कर लिया कि वो यूएसए से जो हमें हेल्प कर सकती हैं और हम यहाँ से प्रमोशन भी जो लोगों का कराए। अब पहले क्योंकि हमने कहा वुमन को लें, अच्छा ऐसी वुमन जो माशाल्लाह ऑलरेडी जिनका सब जानते हैं नाम, वो बड़ी बात नहीं है कि हम उनके इंटरव्यूज करें, नहीं। हमें था कि वो कहते हैं ना गुदड़ी में लाल, हमने वो चुनने थे। क्या बात। तो आज जो चंद खवातीन आई हैं, मैं कहती हूँ गुदड़ी में लाल हैं ये। तो उसमें से हमने इसी तरह किया कि हमने अपने वर्कशॉप्स कराए, ये जानती भी हैं, हमारे सेमिनार्स होते हैं, फिर हम ये सब फंडिंग होती है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास वर्कशॉप्स कराई जाते हैं, उसमें ब्यूटिशियन से लेके हर फील्ड में है। अच्छा, ये एक जगह पर है या आप डिफरेंट जगहों पर? डिफरेंट जगहों पर। अच्छा, डिफरेंट हमारे वेन्यूज डिफरेंट होते हैं, कोई एक इंस्टीट्यूट हमने नहीं, हम क्योंकि फ्यूचर में आप बनाने का कोई है कॉन्सेप्ट? देखिए इंस्टीट्यूट इतने ज्यादा हैं कि पहले वही पूरे हो जाएं। अच्छा, हम इंस्टीट्यूट में जाके जरूर कर सकते हैं, ये बहुत और अच्छा क्योंकि वो ज्यादा बेहतर है ना। कि देखिए मेरी और मेरी जो दोस्त है, हम दोनों का यह है कि वो पैसा एक रुपया भी उस चीज पे ना लगे जो कि हमने चाहा है कि जिनको जरूरत हो उनके लिए लगे। ओके, हम अगर इन्वेस्ट करते हैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो वो हमारे लिए तो एक हो गया, हाँ भाई ये है, उसके जब ओवरहेड्स आएंगे वो भी, तो ये सारा पैसा तो उधर जा रहा है ना। अच्छा, कौन कौन जो आगे एजुकेशन और हमें आगे काम इन लोगों के लिए करना। अच्छा फरजाना जी, कौन कौन सी खवातीन अभी तक कौन कौन से हुनर को रिप्रेजेंट आपके साथ इन टच है? देखे ब्यूटिशियन तो है, गुड हो गया, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट अगर आप इन साइड, फिर हैंडीक्राफ्ट, ओके, फिर वो हमारी ब्यूटिशियन जैसे बताया, फिर आज जो हमारे साथ बैठी हुई है मेहंदी आर्टिस्ट, 17 साल से हैं, मगर इनको ये भी छुपा और इतना ऐसा जबरदस्त इनका काम है, अफशा है इनका हैंडी क्राफ्ट इतना जबरदस्त है, क्रोएशिया का है, इनके साथ होती हैं जो कि कैंडल सेंटेड कैंडल्स बनाते हैं, कैरियोग्राफी बनाते हैं, ये पूरा एक ग्रुप है इन लोगों का। फिर सरेश हैं, वो रेजिन आर्ट का काम करते हैं, रेजिन आर्ट आपको पता है आजकल, और इट्स नॉट अ इजी टास्क। अच्छा, ऐसा लगता है जैसे मार्बल है, लेकिन वो बड़ा खूबसूरत है। आप अगर से उसके यूट्यूब चैनल्स में जाके उसकी करने का, अगर इतना बारीकी का काम है और उसमें अगर जरा सी भी ऊंची नीच चीज आपकी खराब हो जाएगी, तो दैट इज व्हाई वो एक्सपेंसिव भी होती। फिर उनके पास अबाया क्लोथिंग है, फिर एमएस क्रिएशन है हमारा जिनको हम वो करते हैं, और वो लोग
बहुत रीजनेबल रेट के जो जरूरत होती है ब्राइडल वेयर के लिए, वो जो जरूरतमंद खवातीन जिनकी भी बच्चियों की शादियां होती हैं उनका भी दिल करता है कि वो अच्छे लबास पहने, तो वो उनको बड़े नॉमिनल प्राइस में दे देते हैं। तो इसके अलावा जो है हमारी डिफरेंट फील्ड, जैसे मैंने आपको बताया एजुकेशन टीचर्स हुई, जबरदस्त, क्योंकि हमने अभी ऑब्जेक्टिव रखा है वो लोग बने जो आगे मजीद इस चीज को प्रमोट करें। तो वर्कशॉप का मकसद ये नहीं है कि इनमें टैलेंट नहीं है, वर्कशॉप का मतलब है मजीद पॉलिशिंग, मजीद एक दूसरे से जब आपके नेटवर्किंग बनती है तो कहते हैं दो से, आज हम दो चार इस तरह बैठे हैं, हम चारों एक दूसरे से चीजें सीखेंगे। जैसे उस्ताद एक होता है, अगर वो 30 बच्चों को पढ़ा रहा था, मैं कहती हूँ उस्ताद 31 की नॉलेज लेता है, कि वो एक बच्चा भी आपकी छोटी छोटी बात को जो है ना आप सीखते हैं। हो सकता है कि कभी आपके कहीं बैक ऑफ माइंड में चला गया, देन यू गो एंड सर्च फॉर इट, तो नई टेक्नोलॉजी के से आप पे यू कीप पेस विद इट। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए कहते हैं ना ये जो हम कोई काम करते हैं ना, कुछ अच्छा काम, तो अल्लाह पाक ने मुंतखब किया होता है इससे ये काम लेना है। तो मैम आपसे वो काम लिया गया है और अब मैं उन खवातीन की तरफ चलती हूँ जिनके यहाँ पर कुछ थोड़ी डिस्प्ले भी है, तो मैं हम डिटेल में ज़रा बात करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ रखती हैं मिस अफशा नूर साहिबा, और ये कुरैशी का काम। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम अफशा जी, कैसी हैं? कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। अच्छा अफशा, मैं आपका काम देख रही हूँ अपने, माशाल्लाह कुरैशी का वो, ये जरा थोड़ा बताइएगा। ये ब्राइडल बैग है। ओके, तो ये अपने हाथ में जरा कैमरा, ये पूरा क्रोशेट से बना हुआ है, हैंडमेड है पूरा जी। और ये इस तरह ये जो है ये कुरान कवर है, तो इसको जरा क्रिएशन की हुई है कि कुरान से, ये कुरैशी से सारा हुआ हुआ है। आगे और भी आपके ये हूप्स हैं जो हैंड एम्ब्रॉयडरी के साथ हुए हुए हैं, इन पे पूरा हैंड एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और ये भी टोटल हैंडमेड है। अच्छा जी, इस कुरैशी में क्या क्या मैंने देखा कि वो हैंड मतलब हैंगिंग करने के लिए डिस्प्ले जी, मिरर जी, सब कुछ बनता है, जो जी जैसे आप जो कस्टमाइज जो है वो बनाना चाहें जैसा वो बन जाता है। बेबी सेट्स वगैरह भी होते हैं, जो मैं एग्जांपल लाई हूँ कुछ जो है, ये छोटे से बेबी सेट्स हैं, ये देखिए। अल्लाह, इधर देखो, मुझे दिखा दो, मुन्ना मुन्ना तन्ना मुन्ना, ये देखिए चुन्नू मुन्नू नुन्नू मुन्नू। और ये इसके साथ कैप है, नानी दादियों के लिए एक तो दिल का वाला, और ये सॉक्स भी है इसके साथ, और ये कैप भी है। इसमें फरजाना जी, इसमें खुलूस, इसमें मोहब्बत, इसमें प्यार, जिसमें ये बच्चा होगा एक एक जो बुना गया है, जब वो बच्चा बड़ा होगा तो उसकी ये कैप्स हैं, शूज। आपको बात, सॉरी आपकी सभी एक बात काट रही, मेरी सिस्टर अल्लाह बख्शे इंतकाल हुआ आज से 3 साल पहले, मेरे भांजे का आज तक ये छोटा सा रखा हुआ, वो मेरा दामाद भी है। अच्छा, और माशाल्लाह अब तो बड़े हैं वो, तो आज तक बाजी ने ये रखा हुआ था उनका, वही कहती हूँ। अच्छा, ये जब हाथ से बना के हम कुछ पहनते हैं ना, उसके वैल्यूज भी बढ़ जाती है, और उसको हम आगे आगे और बच्चों को भी डिलीवर करते हैं कि ये भी पहन ले, वो भी पहन ले। आपकी बात, मेरी सास बड़ा खूबसूरत काम करती है माशाल्लाह, क्या उनकी हैंडमेड कुरैशिया से लेकर स्वेटर से लेके अब जाके उनके छोटे वो रलिया और क्या क्या चीज। अच्छा, जो आजकल कुछ फैशन के हिसाब से ये टोट बैग्स भी इंट्रोड्यूस कराए, जो ये भी हैंड एम्ब्रॉयडरी के साथ, ये होने चाहिए टीनेजर्स के लिए, टीनेजर्स के लिए इंट्रोड्यूस कराए, जो आजकल गोइंग कॉलेज गोइंग, इसमें भी वर्किंग वुमन अपने साथ रख, जरा कलर जरा सा दूसरे की जी डिफरेंट है, ये बेहतर। ये हम लोग कुछ बाजार में अगर हम लोग कुछ लेने जाए ना, ये ज्यादा बेहतर है, ये जैसे किसी कस्टमाइज है नाम के साथ भी बने हुए, ये देखें। वाह भाई वाह, अच्छा मैंने चलें जी, लेना शुरू कर दे आप लोग, ऑर्डर करें ऑर्डर करें। आप ऑनलाइन क्या है, किस नाम जी? मैं स्पार्कल्स एंड मोर के नाम से पेज है मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। ये क्रोशेट के साथ हैंड एम्ब्रॉयडरी मिक्स्ड है, स्पार्कल एंड मोर, एंड मोर जी, एंड मोर। ओके, स्पार्कल एंड मोर फेसबुक पे जाएं एंड कांटेक्ट करें अफशा साहिबा से, और अपने ये तमाम अगर आप अपने घर में ये ऑर्डर्स मंगा सकते हैं, ये बच्चों के इतने प्यार, यही अगर नाइट सुपरमार्केट में लगे हो तो उसकी कॉस्ट इतनी ऊपर होगी। आप ऐसी खवातीन को सपोर्ट करें, सवाब भी होगा, क्योंकि इनकी मेहनत को जो है ना डायरेक्ट। अच्छा, अब इसमें ये वो नहीं मार्केटिंग है जो डायरेक्ट मार्केटिंग है, जीन्स फैब्रिक में भी बनाया हुआ है, पता है कॉस्ट कम हो जाती, कॉस्ट कम हो जाती, क्योंकि हम वो जो आता है ना वो बन के वो नहीं, उनके ओवरहेड्स भी तो लगे होते हैं ज्यादा, ट्रैवल, तो आप यहाँ जब कॉस्ट कट डाउन होगी तो आपको भी कंफर्टेबल। फरजाना जी कहेंगे सभी को कितना पता है,
माशाल्लाह सभी को। देखिए ना ये ट्रैवल ये चीजें ये मैं अभी इनका खत्म हो तो मैं बेटी का भी बताऊं जो बहुत अच्छा हैंडवर्क ये पूरा कस्टमाइज क्रोशेड ब्लैंकेट है। ये आपने काफी मतलब ये क्या चीज है ब्लैंकेट है बेबी ब्लैंकेट पूरा सेट यानी कि बेबी सेट आप कैप है विद शूज आप बनवा सकते हैं। अच्छा, कलर्स भी आप देखें बड़े वो हैं। इसको इसके ऊपर डाल दो इसके ऊपर डाल दो ये जो भी ऊपर ऊपर और उसके ऊपर और ऊपर जब आप आपके ऊपर कैमरे का ये भी इतना प्यारा वजूद जन से है तस्वीरें का बहुत प्यारे ये भी हैं ये भी हैं सारे डिफरेंट डिजाइन्स हैं कलर्स डिफरेंट वाओ लाइक जी मुझे दिखा या कितनी मेहनत है यार अल्लाह तुम्हारे तुम्हें गुड़िया खुश रखे आप और तुम अपने और ये बाद में एज अ टेबल कवर भी आप यूज कर सकते हैं उसके ऊपर प्लास्टिक डाल के खराब ना हो। ये वालदा अल्लाह उनके बख्शे वो ये भी है ऊन से वो इतने प्यारे प्यारे डिजाइन अम्मी ऐसे से वो चेन नहीं होती वो बन ऐसे पकड़ने की मेहनत होती थी मुझे नहीं पता मेरे वालिद साहब का स्वेटर मेरा स्वेटर मैंने अम्मी क्यों इतनी आंखें लेकिन यकीन करें जब वो बन के निखरता था ना उस पर डिजाइन इतने खूबसूरत होते थे वो खुलूस वो मोहब्बत का तो कोई निमल बदल नहीं हुआ। और मेरे वाले सब को अंदर एक स्वेटर पहनते थे वो जैसे वो हाँ, जैसे, वास्केट के अंदर पहनते थे उस जैसे सर्दियों के लिए सीना ढका रहे वो स्वेटर एक बगैर बाजू का यू नहीं जैसे हाँ, बनियान की तरह हाँ, जैसे हम लोग इनर जैसे कहना इनर वो इतना जब भी सर्दियां बिनता ठंडी हवा होती थी ना तो मेरे वाले सब कहते थे जरा वो मेरा बोला येलो वाला स्वेटर निकालना तो वो अंदर पहनते थे जो सारी बातें एकदम याद है कि ये पहले का दौर जो है ना समझ लें ऐसे इन चीजों में वो यादें वाबस्ता और अब ये सारी चीजें दोबारा वापस आई हैं इन फैशन सारी चीजें वापस कहते ना 20 हर 20 साल बाद वही ट्रेंड्स आते हैं। अच्छा अभी भी मेहंदियों पे आप नोट कीजिएगा खवातीन गरारा सूट चूड़ीदार पजामा शरारे पहले लोग अरे कौन शरारा गरारे तो दुल्हन के लिए होता है लेकिन अब बच्चियां मेहंदी पर भी कजन सब गरारे शरारे लहंगे सब पहनती और अब ये भी फैशन आ गया है कि अपनी वालदाओं के कुछ लोग डेकोर में जैसे कवरिंग में जैसे ग्लास के ऊपर और अक्सर पानी को कवर करने के लिए बच्चों के फीडर कवर्स वगैरह भी बनते हैं फीडर्स को करते हैं कवर तो वो ये बहुत सारी चीज़ें क्रिएशन है मिरर को क्रिएट करते हैं अपने रूम के अंदर बहुत सारी चीज़ें फ्रेमिंग में आती हैं तो ये एक ये इन कामों में बाजार से भी ले सकते हैं अब दूसरी जो मशीन से बनती है लेकिन इनमें हैंडमेड इज खुलूस रियली और जैसे ये और बाहर के मुल्क में आप सोचें लेबर वर्क की जो चीज है ना वो ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। अच्छा आपने देखो हमारी जितनी भी इंटीरियर्स थर सिंध में वो लोग छाबियां बनाती हैं उनके रैली की जो चादरें आप सोचें इतनी छोटी छोटी इतनी बारीकी का काम है वो खड्डी पे काम नहीं होता जैसे वो हाथों से टक टक उसका आप वो स्ट्रॉन्ग बहुत होता है वो काम बहुत ज्यादा अच्छा बहुत जबरदस्त। और अफशान जी मेरी बहुत सारी आपके साथ गुफ्तगू रहेगी और ये देखिए सारे मैंने यहाँ पर नहीं अच्छा लगा मुझे अच्छा इसके साथ साथ क्योंकि इससे रिलेटेड है मैं एक चीज बता दूँ मेरी बेटी इंडस वैली से वो मार्केट लॉस का लास्ट सेमेस्टर है उसने डेनिम से ऑनलाइन स्टार्ट किया है मगर वो बाहर का ही करती है पाकिस्तान में जीन्स और जीन्स का होता है ना वो कस्टमाइज हैंड पेंटेड वो कभी मैं आपको भेजूंगी देखिए आप एक हाथ ले आती है जहन में नहीं रहा होगा आपके एक हाथ हाँ बस एक पीस ले मैंने कहा कि अच्छा नहीं लगता कि भाई अपनी औलाद अच्छा हुआ नहीं लेकर आई ना अगली बार मेरे साइज के हिसाब से ले अच्छा जी ये आप भी नाजीन अगर कोई सवाल फरजाना जी से या आपशा से करना चाहें नंबर PTCL भी चल रहा है 021 तो आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं लाइव कॉल करके आप उनसे सवाल कर सकते हैं या इस प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं। अच्छा अभी यहाँ पर खैरुन्निसा क्योंकि हम लोग ब्यूटी फील्ड में भी बहुत सारी ब्यूटिशियन भी हैं आज हमने फरजाना जी को पहली बार बुलाया नेक्स्ट टाइम मैं चाहूँगी फरजाना जी अपनी तमाम मजीद खवातीन जो हैं बहुत फर्स्ट टाइम आई हैं तो मैंने चाहा थोड़ा इनके आर्टिस्ट लाइफ हो ना तो अगर बहुत सारे होते तो फिर आपसे बात नहीं होती तो हमारे साथ जो है फरजाना जी हैं माशाल्लाह बेहतरीन और खवातीन को लेके चलेंगे बेहतरीन काम रिप्रेजेंट करेंगे और खैरुन्निसा मेहंदी आर्टिस्ट है मेहंदी अस्सलाम वालेकुम खैरुन्निसा कैसे हो आप ठीक हो बिल्कुल ठीक आप ठीक है और फर्स्ट बैठ के मेहंदी लगानी थी ना ऐसे ऐसे करके नहीं नहीं कोई ये बताओ कितना टाइम मैम ने तो आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बता दिया कितना टाइम हो गया हाँ मुझे काफ़ी टाइम हो गया वो भी थोड़ा कम ही बताया मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छा 17 से भी ज़्यादा हो गया 25 साल बहुत अच्छा ये आप अभी ऑनलाइन कर रहे हैं
ऑनलाइन भी है और मतलब होम टू सैलून से भी वर्ड ऑफ माउथ, इनका वर्ड ऑफ माउथ इनका काम बोलता है। सॉरी मैं आपकी बार बार बात काटी, खैर इनका देखो वर्ड ऑफ माउथ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टूल होता है मार्केटिंग में। जैसे मुझे जो चीज पसंद आई है, आपको जो चीज पसंद आई है, आप इनको अगर कहेंगी ना उसमें उसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा होगी कि वाकई में काम अच्छा है, इसलिए आप तारीफ करी। मैंने खैरून को अपने पहले एक्चुअली मेरी बेटी ने इसको बुलाना शुरू किया, मैंने इसका काम देखा, जबरदस्त काम। देन जिस जिसने बुलाना शुरू किया दे ऑल सेटिस्फाइड विद द वर्क, बारीकी का काम है, ब्राइट ये बनाती है, सोचो ब्राइट में तो कितना बारीकी का होता है, और क्विक जबरदस्त बात है कि थकाती नहीं है, बहुत क्विक काम करती है, पूरी टीम है इसकी माशाल्लाह से बिल्कुल। और जी मैं ये कहूँगी माशाल्लाह फरजाना जी साथ साथ, क्योंकि एक बात बताऊँ, ये जो इनका आंखों की चमक और बोलना है ना, ये दिल से जो काम किए जाते हैं ना तो वो खुद ब खुद ऐसे ऐसे डिलीवर होते हैं, दिल करता है इनकी सुने। अच्छा जी खैर सर, जिस तरह इनका एक मेहंदी, याद रखिएगा सैलून में हम लोग बहुत सारे काम उसी वक्त करवाते हैं, लेकिन मेहंदी का हमेशा ऑर्डर करवाया जाता है कि हम मेहंदी ब्राइडल मेहंदी होगी हमने, वो ऐसे नहीं जाते ही आपने, क्योंकि मेहंदी आर्टिस्ट की बड़ी वैल्यूज होती है, उससे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है स्पेशल कि आप जो है हमारी ब्राइडल या हमारी कजन्स आएंगी और हमें इतने इतने जो है मेहंदी लगवानी है, तो फिर हमें मेहंदी जो सैलून की मेन पर्सन होती है वो फिर उनको कॉन्टेक्ट करती है, फिर वो जाते हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, बड़े भैया वही वैल्यू होती है इनकी। अच्छा ये इतना आसान नहीं है ब्राइडल मेहंदी, बड़े बड़े भरे भरे हाथ, बंदे की कमर दुख जाती है क्योंकि बड़ा हार्ड वर्क होता है, इतना आसान नहीं है, पाँव में लगानी है कई कई घंटे, और उस पर इतना मैं कहती हूँ हैरान हूँ, क्योंकि कलर जो होता है ना इधर से उधर हो जाए तो वो कलर चढ़ जाता है, तो इतना बारीक काम यूं 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 करके करना, तो मैं कहूँगी भाई आपने बहुत अच्छा। और इन्होंने एक तो एक एक चीज़ और बताया, एग्जाम मैम भी इसको इंडोर्स करेंगी, किसी भी काम के लिए मुस्तकिल मिजाजी चाहिए, याद रखिए कोई भी काम आप करें किसी भी डोमेन में, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो हैंडवर्क करता हो या सिंगिंग करता हो, वट एवर कुछ, उसके लिए मुस्तकिल मिजाजी चाहिए और अपनी खुद करेक्शन चाहिए, और लोगों से भी लीजिए ओपिनियन कि आया कि ये मैंने जैसे मैं बोल यार बताए ना ये प्रोग्राम कैसा लगा, मेरा ये बोलना क्या है, ये क्या, मैं लोगों से ओपिनियन लेती हूँ कि करेक्शन क्या है। जब जिस दिन आपने ये बोल दिया ना आई एम अ परफेक्ट, व्हाई आर यू पिंच मी, आप क्यों मुझे इसको, तो उस दिन समझ लें आपका जिंदगी का आखिरी दिन। अगर आपको 10 चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो 2 चीज़ें आपको ख़राब भी लगती हैं, जो ख़राब कहें ना तो फौरन आप अपने इधर ना इंडिगेशन करें कि ये क्या हो सकता है, जब तक इंस्ट्रक्टर टीचर, और एक और बताओ दुश्मन भी होना बहुत ज़रूरी है, आपका कॉम्पिटिटर नहीं होगा तो आप कभी मुकाबला भी नहीं कर सकते, काम करने में मजा नहीं। जब तक आप देखेंगे ना जैसे ये खोल गूगल, गूगल बाबा खुलता है ना, और ये इतना अच्छा वो अच्छा, एक बंदा सोचता है ना क्रिएशन क्रिएटिविटी, फोकस करे क्रिएटिविटी एंड तवक्कल ऑफ गॉड और अपने उस्ताद का एहतराम और डाउन टू अर्थ एंड हार्ड वर्किंग कॉन्सेंट्रेशन मुस्तकिल मिजाजी, मैं कहती हूँ वो मंजिलें ऐसे तय होंगी जैसे वो थी नहीं, और आप उस मकाम तक बल्कि उससे आगे मकाम तक इज्जत और हर चीज़ के साथ इंशाल्लाह पहुँचेंगे, लेकिन इस यकीन के साथ कि वो ज़रूर अता फरमाएगा इज्जत भी दौलत भी और आपको मकाम। आमीन सुमामीन। मेरा यहाँ पर सेगमेंट का इख्तिताम, लेकिन लास्ट में मैम से आपसे भी मैं मैसेज दूँगी, लेकिन मैम से भी मैसेज दूँगी, ये आपका कैमरा है, आप अपनी ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे, हाउसवाइफ्स की बात करेंगे, वर्किंग वूमेन की बात करेंगे, सब की जो आपकी फील्ड से रिलेवेंट, आपसे लोग टच होते हैं ना, बच्चियों से लेकर टीनेजर्स से लेकर, सबसे पहले मैं टीनेजर्स को जो है आजकल की बच्चियां उनके लिए एक पैगाम है, बादब बानसीब बेअदब बेनसीब, बस इसमें मेरा पूजे में बात बंद होती है, बुरा लगेगा मगर कामयाब है ये की टू सक्सेस है उनका। दूसरा जो है जो वर्किंग वूमेन है उनको सल्यूट है कि वो घर भी देखती हैं, वो काम भी कर रही होती हैं और वो थैंकलेस होते हैं जॉब, तो मैं कहती हूँ कि जो उनके घर वाले हैं चाहे वो वालदेन हो, चाहे उनके हस्बैंड हो, चाहे इवन बच्चे उनके हो, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको उनके मोरल हाई करना चाहिए और उनके जो काम को बल्कि सोचें कि ये डबल मेहनत कर रही हैं, ये वर्किंग वूमेन के लिए है। और जो हाउस वाइफ्स है वो तो कहते हैं ना टोटली थैंकलेस वर्क है, लोग हाउस वाइफ को कहते हैं कि ये क्या है, जबकि वो 24/7 काम कर रही होती हैं और वो सबसे ज़्यादा थैंकलेस जॉब होता है। और वो वर्किंग वूमेन जो मेरे साथ हैं आज, और मैं इंशाल्लाह जो हमारी वर्कशॉप्स अभी पूरा सीजन गुजरा है,
अभी मजीद इंशाल्लाह जनवरी में हमारा सीजन होगा जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हम उस वर्कशॉप में कॉल करते हैं। तो ऐसी खवातीन जो आपको आपको मजीद पॉलिश करना चाहती हैं और उनका हुनर है और हुनर को ऊपर लेके आना चाहती हैं इस प्लेटफॉर्म से, तो हमसे वो कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, सभी से वो कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। और देखें देर इज नो एंड फॉर लर्निंग, जिंदगी के आखिरी लम्हे तक आप सीखते हैं। जैसे सभी ने कहा, जिस दिन हमने ये समझ लिया ना कि आज हम शायद परफेक्ट है या किसी ने आपकी किस थोड़ी सी चीज में नुक्स निकाल लिया आप में, आप उसे हमेशा पॉजिटिव लें, पॉजिटिव लेंगे तो आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। कहते ना दुश्मन बड़ा अच्छा क्रिटिक होता है और उससे सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो अगर आपको लेट डाउन कर रहा होगा तो आप लेट डाउन ना हो, बल्कि आप उसको पॉजिटिव लेके अपनी जिंदगी को मजीद कंस्ट्रक्टिव करें। बहुत शुक्रिया अफशा। आप ये कैमरा है, अगर आप अपने मैसेज दें चाहे सामने। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने काम के साथ सिंसियर रहिए और हमेशा जो है वो अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश कीजिए, और ये ईमान रखिए कि अगर हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो हमारे साथ भी कभी कुछ बुरा नहीं हुआ। वाह अफशा जी, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जी, आप खैरुन्निसा, आप भी अपनी ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? बस सब कुछ तो इन लोगों ने बोल दिया, मैं भी यही चाहूँगी कि भाई मेहनत करें, आगे बढ़ें, मेहनत में बहुत बरकत है, मेहनत तो करनी है घर के लिहाज से भी बाहर भी, और अच्छे से अच्छा सीखने की कोशिश करें और आगे बढ़ें। क्या बात, आगे बढ़ें, कॉन्सेंट्रेशन वही बात होगी मेहनत से। फरजाना जी थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन शो। अफशा जी आपका बहुत थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। एवरी मंडे हम एंटरप्रेन्योर्स एंड स्किल्स वुमेन्स और तमाम उन खवातीन को ऑब्लाइज करें जो घर में काम कर रही हैं, तो आप 03158248704 पे रابطہ करें और इस मॉर्निंग शो का हिस्सा बन जाएं। या लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।